मैं पढ़ कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। स्वागत है आप सभी का ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। शायद इस पोजीशन में आप पहली बार इस चैनल पर वीडियो देख रहे होंगे इस प्रकार का। कई बार होता है हम लोग दूसरे के बारे में बात करते हैं और कभी हमारे ही बीच कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो हमें इंस्पायर कर सकते हैं, आपको इंस्पायर कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं परिचय कराने वाला हूँ आप लोगों से सतीश सर का। आप सतीश सर कहें या सिर्फ सतीश कहें, ऑन स्क्रीन सतीश सर कह सकते हैं। और आप लोग जो लोग भी इसके पहले जैसे ग्लोबल आईटीआई मोबाइल ऐप पर कोर्स वगैरह ज्वाइन किए रहे होंगे, तो अक्सर आपकी बात होती रही होगी वो किसी प्रोसेस को लेकर या फिर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो या कोर्स को ओपन करने में, तो आपकी बात होती थी तो सतीश सर से बात होती होगी, ऐसे सभी बच्चों को पता होगा। तो आज मैं इस वीडियो को इसलिए यहाँ पर लाया हूँ, मैं एक शॉर्ट इंट्रो सर का दे दूँ, फिर इनसे बातचीत करेंगे और आपके बीच का हो सकता हो आपको एक मोटिवेशन के तौर पर इनकी जो जर्नी रही है, बहुत अभी तो स्टार्ट हो रही है जर्नी, लेकिन जो स्टार्टिंग का फेज है उसमें कुछ मोटिवेशन वाली चीजें हैं जो आपको मिलेंगी। तो इसलिए मैं आज परिचय करा रहा हूँ और सब ऑन स्क्रीन आपको नहीं दिखे होंगे बहुत कम भैया, तो ब्लॉग चैनल पर जो लोग हमसे जुड़े हैं विवेक अभिषेक ब्लॉग नाम से मैंने एक चैनल बनाया था, तो क्योंकि एज अ फैमिली रहे हैं और हमारे पड़ोसी भी हैं और हमारे टीचर भी हैं, दोस्त भी हैं, अभिषेक जो मेरे छोटे भाई हैं तो उनके लिए साथ में पढ़े हैं, मतलब थोड़ा एक दो क्लास पीछे थे लेकिन स्कूल वगैरह साथ में किए हैं, तो उनके दोस्त भी रहे हैं, तो बहुत कुछ मतलब कह लीजिए एक होता है कि फैमिली दूर का और एक होता है कि सब समझ रहे होंगे फीलिंग को। तो सतीश सर का आपने ब्लॉग में भी देखा होगा, वैसे भी बात की होंगी सर एकदम स्टैचू बन के बैठे हुए हैं, तो ये ऑन स्क्रीन नहीं है। ड्राइंग बहुत अच्छी जानते हैं, इंजीनियरिंग ड्राइंग बहुत अच्छा पढ़ाया है हमारे कॉलेज में, लगभग दो साल से ज़्यादा इन्होंने समय लिया और अभी इनको 3 गवर्नमेंट जॉब हैं लगभग, जहाँ पर इनको मतलब सिलेक्शन मिला है इधर पिछले 2 महीने में देखा जाए। जैसे मैं ही बता देता हूँ, एक आपका UPRVNL TG2 उसमें इनका ज्वाइनिंग लेटर जो स्पॉट है वो भी हो गया है कि झांसी इनको अलॉट हुआ है ज्वाइनिंग के लिए। उसके अलावा बोरिंग टेक्नीशियन है, मैं भी यही है असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन, सहायक बोरिंग टेक्नीशियन यूपी की वैकेंसी है, उसमें भी इनका चयन हो चुका है, फाइनल लिस्ट में नाम है। और DRDO का भी इन्होंने स्किल टेस्ट अभी रिसेंटली दिया है और उसमें भी स्किल के बारे में इनसे ज़्यादा कुछ जानेंगे क्योंकि ये बहुत ही स्किल पर्सन है, तो सारी जर्नी मैं इनसे पूछूंगा। और ये है क्या सर की क्वालिफिकेशन बात करें तो ITI पास। तो कई बार बच्चे कहते हैं कि सिर्फ जुगाड़ से ही नौकरी मिलती है या फिर ITI वालों को नौकरी नहीं मिलती है या ITI बेकार है, उसमें फिटर ट्रेड की बात आ जाती है, तो बहुत से बच्चे मतलब थोड़ा सा कहते हैं नहीं फिटर से ITI करना बेकार है ऐसे शब्द। तो कुछ मैं इनसे आप लोगों से परिचय कराता हूँ और सबसे पहले तो मैं शायद आवाज भी जा रही होगी, उम्मीद तो करता हूँ जा रही है, ठीक है। तो सतीश सर एक छोटा सा अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम सतीश है और मैंने जो है कि फीटर ट्रेड से ITI कर रखा है, 2015 से 17 मेरा सेशन था। जब मैं स्टार्टिंग में ITI करने के लिए विचार कर रहा था तो सर अभिषेक सर जो कि उस समय डिप्लोमा कर रहे थे मैकेनिकल से, तब देखिए मैं टोक रहा हूँ, तभी अभिषेक सर नहीं कहते थे, कहते थे अभिषेक से मैं पूछा यार अभिषेक ने फिटर करा दिया ये थोड़ी इनकी शिकायत थी, तो अब शिकायत दूर हो रही है कि नहीं? अब शिकायत दूर हो गई है। तो फिर मैंने अभिषेक भाई से पूछा तो उन्होंने बताया कि फिटर से कर लो अच्छा रहेगा। तो फिर मैंने 2 साल ITI कंप्लीट कर लिया। ITI कंप्लीट करने के बाद मैंने रेलवे से 1 साल अप्रेंटिस किया, DLW वाराणसी आप लोग जानते होंगे। वहाँ से जो कि अप्रेंटिस क्लियर करने के बाद जब मैं वापस आया तो विवेक भैया से बात हुई, तो आगे क्या करना होगा क्या करें सर से बात किया मैंने। देखो तो भैया और सर दोनों एक साथ बोल रहे हैं, मैंने बोला था आपसे चलिए, तो उन्होंने बताया कि अभी मतलब पढ़ाई से ही जुड़े रहेंगे तो अच्छा रहेगा, आगे भी सब कुछ आसान हो जाएगा थोड़ा बहुत। तो फिर मैंने ग्लोबल ITI ज्वाइन कर लिया, लगभग मैंने 2 साल यहाँ पर काम किया। मैंने इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ाता था मैं और प्रैक्टिकल कराता था। फिर उसके बाद मैंने अपना यहीं पर पढ़ना पढ़ाना दोनों काम स्टार्ट किया। जैसे जब भी अभिषेक भाई वीडियो बनाते थे तो मैं भी बैठा रहता था साथ में, पहले से तो मैं रेगुलर क्लास करता था। उसके बाद जो कि सर जब पढ़ाते थे तो उस टाइम मेरा रिवीजन भी हो जाता था, तो कॉलेज रेगुलर गए थे। हाँ, ये इनके बारे में ही बताना चाहूंगा कि इवन मेरे मतलब पड़ोसी हैं, तो मैं उस समय कॉलेज खोलने की तैयारी कर रहा था तो मैं इनको देखता था, मैं कहता यार ये अपने कॉलेज पर रेगुलर जाते थे, इनके साथ के और भी बच्चे थे, मैंने मतलब गाँव से और भी बच्चे ITI करते थे, लेकिन इकलौता मैं इनको देखता था, बस पकड़ के 20 किलोमीटर दूर लगभग कॉलेज था, तो डेली अप डाउन करते थे और मैं कहता इतना क्या ITI में पढ़ रहे हो, लेकिन नहीं इन्होंने मतलब सिर्फ मजा लेने के लिए मैं ऐसा करता था, ये पूरी रेगुलर क्लास की ITI कॉलेज रेगुलर गए, पूरा प्रैक्टिकल। और प्रैक्टिकल के बारे में जैसे अगर आप स्किल टेस्ट की बात कर लें, स्किल टेस्ट देने गए थे आप देहरादून, तो मतलब कैसा अनुभव हुआ क्या लगा? कोई भी चीज़ अगर आप पहले से प्रैक्टिस करके रखेंगे तो उसे आगे करने में आसानी होता है। तो फिर हम जब ITI कर रहे थे
तो उस टाइम हमने खूब सारा ढेर सारा जॉब बनाया था, तो फिर पहले से प्रैक्टिस था। फिर उसके बाद मुझे DRDO का स्किल टेस्ट में जो भी जॉब बनाने के लिए आया था उसमें ज़्यादा कठिनाई नहीं हुई, बिल्कुल आसानी से मैंने बना लिया। जो भी परफेक्ट साइज था बिल्कुल परफेक्ट बना है मेरा। और जैसे आप फिटर ट्रेड के बारे में क्या बोलना चाहेंगे, शुरुआत में क्या सोचते थे, अब क्या सोचते हैं? बाद में तो ऐसा लगता था कि मैंने फिटर लेके बहुत बुरा कर दिया, लेकिन बाद में समझ में आया कि नहीं ठीक है। तो मतलब ट्रेड का क्या, इलेक्ट्रिशियन, फिटर, मशीनिस्ट, बहुत सारी ट्रेड है, तो कौन सी ट्रेड सही है? जैसे ऐसे भी तो होता है बच्चे कहते हैं अब कौन सा जो ट्रेड। जिसमें जो नौकरी पा जाए उनके लिए अच्छी होती है वो, तो जो कि पहले ऐसा लगता था जो साथ में थे इलेक्ट्रिशियन से किए थे तो वो लोग जॉब अब कहीं पाते थे, तो मुझे ऐसा लगता था कि मैंने कहीं गलती कर दिया फिटर लेके, लेकिन बाद में अच्छा लगा कि नहीं, फिटर से करने के बाद तीन तीन सिलेक्शन मिला। और कहीं ना कहीं मतलब फिटर में जो कि क्या होता है, जितने भी टूल्स होते हैं उन सब से हम कहीं ना कहीं पहले से ही उनसे जुड़े रहते हैं, जानकारी उनके बारे में हमें रहती है। जैसे मान लीजिए हेक्सा हो गया, फाइल हो गया, स्क्रू ड्राइवर, प्लायर हो गया, तो इन सब के बारे में हम पहले से ही जानते रहते हैं। तो जो कि फिटर में जितने भी टूल्स हैं लगभग सबके बारे में हम लोग पहले से जानते रहते हैं, तो फिर जो कि ITI में उनको समझने में उनके उनका क्या कार्य होता है, वो किस मेटल का बना होता है, थोड़ा आसान हो जाता है। अब मैंने तो देखो यार, मैं थोड़ा सा कमजोर विद्यार्थी हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे कुछ सवाल लिख रखे हैं कि मैं भूल ना जाऊँ। तो एक सवाल पूछूंगा कि ITI में अगर बोला जाए तो सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट कहा जाए, जैसे हर जगह होता है ना, तो सबसे ज्यादा ध्यान किस पर देना चाहिए एक बच्चे को ITI में? ITI में सबसे महत्वपूर्ण जो है कि आप सब्जेक्ट अपना थ्योरी पर, ट्रेड थ्योरी पर सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिए। बाकी उसमें तो आपका ड्राइंग होता है, वर्कशॉप कैलकुलेशन होता है, लेकिन आपका ज़्यादा मेन फोकस जो है कि ट्रेड थ्योरी पर होना चाहिए, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चंस आपकी जितने भी ITI से रिलेटेड वैकेंसी जाती हैं उसमें अधिकतर आपके ट्रेड थ्योरी से ही क्वेश्चंस होते हैं। अच्छा ये बताइए, अब आपने जैसे तीन गवर्नमेंट जॉब आपने क्वालिफाई कर लिया, और ये मेरे ख्याल से काफी बड़ी अचीवमेंट है, और आप सिर्फ ITI हैं, आपने कोई डिप्लोमा, बीटेक कुछ ऐसा नहीं कर रखा है, नहीं ठीक है? तो फिर ऐसा कुछ है जैसे बच्चों के लिए कि मतलब आपने कोई कोचिंग किया था, कहीं कोचिंग ज्वाइन किए नहीं थे? नहीं मैंने कोई कोचिंग नहीं ज्वाइन किया। ITI करने के बाद अप्रेंटिस किया, अप्रेंटिस करने के बाद यहाँ मैंने ग्लोबल ITI ज्वाइन कर लिया। तो आप यहाँ एज अ टीचर थे, यहाँ पे एक तरह से देखा जाए तो एज अ हाँ। टीचर थे, लेकिन सिर्फ आप पढ़ाते ही थे या फिर क्या, मतलब फिर जॉब के लिए कैसे, तो क्या कहना चाहेंगे, मतलब पढ़ते ही थे, पढ़ते भी थे या फिर पढ़ाते थे या क्या, मतलब किस प्रकार से आपको? जैसे मैंने पहले से क्लास में रेगुलर करता था तो जानकारी थी, तो जब भी अभिषेक सर जो भी वीडियो बनाते थे तो फिर मैं भी बैठा रहता था, तो जो भी मुझे मतलब इम्पोर्टेंट लगता था मैं नोट कर लेता था, बाकी बाद में 2-3 घंटे रिवाइज कर लेता था। बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, 5 घंटे 7 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं है, मन से आप जो है कि बस 2-2.5 घंटे 3 घंटे पढ़ लीजिए, उतना में काम हो जाएगा आपका। मतलब लगातार पढ़ना, हाँ लगातार मतलब बिल्कुल मन और से। सबसे महत्वपूर्ण मुझे जहां तक लगा है, जो मैं देखा हूँ सतीश भाई जर्नी में, कि ये मेरे ITI कॉलेज से नहीं पढ़े हैं, ठीक है, ये दूसरे ITI कॉलेज से पढ़े, तब तो मेरा ITI कॉलेज भी नहीं खुला था, तो उसके बाद यहाँ पर आए, तो ये अपना वहां पर रेगुलर गए, तो कॉलेज जाना बहुत जरूरी है। बहुत से बच्चों को लगता है कि यार कॉलेज जाकर क्या होगा, लेकिन कॉलेज जाकर ये होगा कि एक ITI पास बच्चा तीन गवर्नमेंट जॉब, अब फिलहाल बच्चे नहीं है बड़े हैं, लेकिन तीन गवर्नमेंट जॉब में क्वालिफाई कर सकते हैं। इनको मैंने कई बार वीडियो में ऑन स्क्रीन लाने की कोशिश की थी, लेकिन अंदर हेजिटेशन था, जिसकी वजह से ये 2 साल से ज्यादा जुड़े रहे हमारे साथ, कभी ऑन स्क्रीन आपको नहीं दिखे, ब्लॉग वगैरह में दिखे, या फिर ऑफ स्क्रीन कभी फिटर के लिए चीजें, क्वेश्चंस तैयार करना, या ITI कॉलेज पर प्रैक्टिकल्स कराना, प्रैक्टिकल में इनका बहुत इंटरेस्ट था, और जैसे प्रैक्टिकल जॉब वगैरह होता है, जब जॉब एग्जाम वगैरह के टाइम पर ढेर सारे जॉब बनाने होते हैं, तो एक एक बच्चे के साथ खड़े होकर इन्होंने वो सब चीजें करवाई थी। और मुझे उम्मीद है कि स्किल टेस्ट के दौरान कैसा फील हुआ, लगा कि मतलब यार मेटल काटना है, इसको करना है, स्किल टेस्ट कैसा लगा आपको, आप जब स्किल टेस्ट मेरे देखे? लिए बहुत कठिन नहीं लगा हो, क्योंकि मैं पहले से प्रैक्टिकल वगैरह सब करता था, तो फिर ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं आई। तो ITI बच्चों को मतलब क्या कहना चाहेंगे, उनको कॉलेज जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, एक सवाल इनसे मैं पूछूंगा। रेगुलर क्लास करना चाहिए आप लोगों को, प्रैक्टिकल वगैरह भी करना चाहिए। और तो सिंपल सी बात है, देखिए बहुत ज्यादा हम कुछ ऐसा बनावटी और इसमें बड़ी चीजें नहीं कहेंगे, सिंपल सा एक मैसेज है, अगर आप जैसे सतीश भाई हैं, सतीश सर कहने जो भी है, जो अब देखते हैं जहां बैठे उस हिसाब से आपको करना होता है, प्रोनाउंसिएट करने वाली बात है, लेकिन मेरे लिए ये छोटे भाई की तरह है, जैसे अभिषेक मेरे भाई हैं, ये भी हैं, तो ये कई बार जैसे कॉलेज कोई वैकेंसी आती थी, कहते थे कि मैं सोच रहा हूँ आप पढ़ूँ, मैं इनको कहता था भाई तू नहीं पढ़ेगा, ये शब्द शायद आपको यहाँ पर बुरा लगे, लेकिन हम एक छोटे भाई के तौर पर वहां पर बोलते थे तू नहीं पढ़ेगा, तो ये मैं देखता था जब मैं इनको बोल देता था तू नहीं करेगा, तू नहीं करेगा, तो ये जाते थे और अगले दिन से लग जाते थे पढ़ने, मैं देखता था
जब भी कॉलेज में भी इनको समय मिलता था यूट्यूब वीडियो चलाए अपना शुरू हो गए किसी का भी, जैसे ऐसा नहीं था कि ये मुझे ही पढ़ रहे थे पर्टिकुलर, ये कभी जीएस पढ़ते मैंने देखा इनको, कभी जीके पढ़ते, मतलब इनको शौक था पढ़ने का और इनको मुझसे ज्यादा आउट ऑफ द फील्ड, मैं लोगों के बीच बैठता हूँ आज भी बोलता हूँ कि जो होता ना अपने ट्रेड के अलावा बहुत सारी इनको जानकारी थी। तो पढ़ना बहुत जरूरी है और अब बहुत ज्यादा ये नहीं बोल पा रहे हैं शायद मैं बोल रहा हूँ, लेकिन एक चीज आप लोगों के लिए मैसेज रहेगा कि इनका कोई ऐसा बड़ा बैकग्राउंड नहीं है, ये दिल्ली लखनऊ या किसी बड़े शहर में कोचिंग करने भी नहीं गए, इन्होंने अपने को सिर्फ पढ़ाई में रखा। जैसे कॉलेज में पढ़ाते थे तो सिंपल सी बात है कि कॉन्फिडेंस होना चाहिए पढ़ने पढ़ाने के लिए, बाकी अभिषेक सर की जो क्लासेस थी ऑनलाइन रिकॉर्ड होती थी, तो जितनी रिकॉर्ड होती थी क्लासेस तो हमेशा एक कोई ना कोई चाहिए होता था सपोर्टिंग के लिए, तो जितनी देर वो पढ़ाते थे उतना ही समय वहाँ बैठे होते थे, तो बैठे हुए आदमी को समय काटना बहुत कठिन होता है, लेकिन ये जब वो बैठे थे तो उस समय को भी अपना यूटिलाइज करते थे क्योंकि ऑलरेडी पढ़े हुए थे, वही चीज़ें पढ़ाई जा रही थी, तो इनके लिए इंटरेस्टिंग था, इनका समय भी कटता था और फिलहाल इन्होंने बहुत बड़ा ऐसा कुछ नहीं किया, कहते हैं ना कंटिन्यू लगे रहे, पढ़ाते रहे और पढ़ते रहे, मतलब स्टूडेंट और टीचर दोनों का रोल निभाते रहे और फिलहाल आज इनके हाथ इतनी कामयाबी है और हमारे लिए काफ़ी खुशी की बात है। और जल्दी मैं अभिषेक सर का भी एक ऐसे ही इंटरव्यू लाऊंगा जिसमें मैं बता सकूँ, क्योंकि दोनों लोग काफ़ी एक साथ बहुत सी एक जैसी वैकेंसीज को क्वालिफाई किए हैं, पोस्टिंग में शायद थोड़ा बहुत आगे पीछे देखने को मिल रहा है कि एक जगह पोस्टिंग नहीं मिल रही है शायद, तो क्या प्लान है आपका, मतलब आप VNL ज्वाइन करेंगे कि बोरिंग टेक्नीशियन ज्वाइन करेंगे फाइनल में? नहीं, UPR VNL ही ज्वाइन करेंगे, पहले ही फिक्स है क्योंकि पहले उसकी ज्वाइनिंग आने वाली है। बाकी आपका कैसा सफर रहा ग्लोबल ITI के साथ, हमारे साथ जुड़े रहे परिवार की तरह, आगे भी वो तो परिवार वाला जुड़ा रहेगा लेकिन ये संस्था के साथ जुड़े रहे उसके बारे में क्या कहेंगे, कैसा लगा आपको? नहीं, काफी अच्छा लगा आपके साथ मिला, अभिषेक सर का साथ मिला, काफी सपोर्ट मिला मुझे। और ITI स्टूडेंट्स के लिए कुछ मैसेज कुछ कहना चाहेंगे कि उनको क्या करना चाहिए किस? आप लोग भी ग्लोबल ITI यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहिए, मेहनत करते रहिए, कामयाबी जरूर मिलेगी। नहीं तो जैसे उनके इसका क्या मतलब, उनको कॉलेज जाना चाहिए प्रैक्टिकल, रेगुलर क्लास कीजिए आप लोग, प्रैक्टिकल भी कीजिए तभी आगे आसानी हो जाएगी आपके लिए। बहुत सी वैकेंसीज हैं जो मैंने अभी रिसेंटली देखा है कि अभी आप देखोगे अभी बार्क में वैकेंसी आई है या फिर DRDO की वैकेंसी आई है, इनमें स्किल टेस्ट होता है और स्किल टेस्ट के टाइम पर काफी बच्चे अच्छा खासा मेरिट पर एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद भी स्किल टेस्ट नहीं निकाल पाते हैं तो बाहर हो जाते हैं, उनकी मेहनत बेकार जाती है क्योंकि एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए आप कोचिंग का सहारा ले सकते हैं और सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, बहुत से तरीके हैं, लेकिन जो ये प्रैक्टिकल है ना स्किल टेस्ट, उसके लिए आपके हाथ में कला होना चाहिए, कौशल होना चाहिए, जो ITI का मेन मोटिव है। अगर आपको हेक्सा चलाना नहीं आता, फाइलिंग करने नहीं आता, मेजरमेंट करने नहीं आता है, अगर आप फिटर से हैं तो मैं फिटर की ज्यादातर बात कर रहा हूँ इस वीडियो में, अलग ट्रेड से इलेक्ट्रीशियन से हैं तो इलेक्ट्रीशियन रिलेटेड प्रैक्टिकल्स हैं, आपके बाइंडिंग है, मोटर का स्टार डेटा कनेक्शन है, ये सब चीजें अगर आपने ITI के दौर में नहीं सीखा तो 2-4 दिन में अगर आप सीखना चाहोगे तो वो बेहतर तरीके से आप नहीं कर पाओगे, हो सकता है आधा अधूरा सीख भी जाओ, किसी का हो भी जाए कि क्वालिफाई हो भी जाए लेकिन ये चांसेस कम रहेंगे, तो बेहतर चांसेस इसी में हैं। और अच्छा भी है कि आप लोग रेगुलर कॉलेज जाइए, जहां से भी ITI कर रहे हैं, ITI सिलेक्शन अभी अभी बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो भविष्य में ITI करेंगे, तो ITI कॉलेज सेलेक्ट करते समय भी बहुत बारीकी से आप लोग छानबीन करिए, वहाँ पर प्रैक्टिकल होते हैं कि नहीं, स्टाफ अवेलेबल हैं कि नहीं, पहले जो वहाँ से पास आउट बच्चे हैं उनसे राय लीजिए, ऐसे ही आंख बंद कर किसी कॉलेज में एडमिशन मत लीजिए, बाद में बच्चों की शिकायतें होती पढ़ाई नहीं हुई, फिर दुनिया भर की कोचिंग में आप पैसे बर्बाद करते हो, इवन आप मेरे ही कोर्स खरीदते हो, आप मेरा कोर्स ज्वाइन करते हो, आप एक्स्ट्रा पैसा खर्च करते हो, क्यों? क्योंकि आपकी पढ़ाई में कुछ कमी रह जाती है, तो ये भी ना करने की जरूरत पड़े, तो कैसे हो सकता है, अच्छा कॉलेज सेलेक्ट करिए। और अब सर से एक और पूछ लेते हैं, सर लास्ट क्वेश्चन है कि ITI कॉलेज आपका प्राइवेट था या गवर्नमेंट? प्राइवेट था। सर का जो कॉलेज था मार्कंडेय ITI है ना, सर का मार्कंडेय ITI कॉलेज वाराणसी था, तो वो भी प्राइवेट ITI कॉलेज था, तो बहुत से बच्चों के दिमाग में ऐसा रहता है कि प्राइवेट ITI से ITI कर लेंगे तो क्या गवर्नमेंट जॉब लगेगी, गवर्नमेंट जॉब के लिए मतलब एलिजिबल है? तो देखिए दोनों एक है, प्राइवेट कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज एक जैसे हैं, दोनों में आपको देखना है कहाँ बेहतर पढ़ाई हो रही है, कहाँ पर आपको चांसेस मिल रहे हैं, सब कुछ आपके ऊपर है, पढ़ाई लगातार करिए, कम करिए, ऐसा नहीं एक ही दिन बैठ के 12 घंटा पढ़ने के बजाय रोज 1 घंटा पढ़िए। तो यही है इस मैसेज मेरे पास, सिर्फ यही था कि मेरे बीच से और हमारे बीच से ऐसे काफ़ी इसके पहले भी जितेश सर हैं या और भी लोग रहे हैं, तो हालांकि सर लोग ज़्यादा क्वालिफाइड थे तो इसलिए मैंने इतना कुछ नहीं, फिर भी उन लोगों का भी मैं सोच रहा हूँ जर्नी आप लोगों के बीच लाऊं, लेकिन सतीश सर क्या है, आपके बीच से हैं, आपकी कम्युनिटी जो ITI कोर्स है ITI ही है और उसके बावजूद भी इन्होंने 3-3 चीज़ों को क्वालिफाई किया, तो आप भी कर सकते हैं, इसीलिए मैंने सर को ऑन स्क्रीन लाया। अभी भी देखें बहुत कम बोलेंगे क्योंकि कैमरा फेस करने में थोड़ा शर्माते हैं, जो कि
नेचुरल से बात है, बहुत से लोगों की समस्या होती है, तो मैंने फिर भी इनको काफी 2-3 दिन से मैं इनको परेशान कर रहा था, तो आज ये हम लोगों के बीच यहाँ पर राजी हुए किसी प्रकार से। अभिषेक सर के साथ 2-3 बार प्रैक्टिस भी हुई इतना बोलने के लिए, लेकिन आप भी कर सकते हैं। सिंपल सा मैसेज है, पढ़ते रहिए, पढ़ाई छोड़ेंगे तब मुश्किल हो जाएगा। सर ने क्या किया, लगातार पढ़ाई की, इसमें कोई किसी का बहुत बड़ा योगदान नहीं है, पूरा योगदान सतीश सर का अपना है कि इन्होंने अपने आप को उस तरीके से डाला, अप्रेंटिस किए, तो उसके बाद चाहते प्राइवेट जॉब की तरफ भी जा सकते थे, और जाने का एक समय होता है, तो उन्होंने शुरू किया। मैं अक्सर बच्चों से कहता हूँ आईटीआई कंप्लीट होने के बाद 1 से 2 साल अपना तैयारी में आप दीजिए, उसके बाद लग रहा है कि नहीं यार अब तो हम कहीं भी नहीं, नजदीक भी नहीं पहुंच रहे हैं लाइन के, तो आप दूसरा रास्ता सेलेक्ट करिए, लेकिन एक बार कोशिश इसको जरूर करिए। और देखिए सर ने किया है तो आप भी कर सकते हैं। और जो ट्रेड है कोई बुरी अच्छी नहीं होती है, जिसमें आप सफल हो जाते हैं वो अच्छी होती है। बाकी अब बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो आपको कहेंगे आईटीआई करना बेकार है, तो मुझे लग रहा है कि बहुत से सतीश सर जैसे लोग भी होंगे जो कहेंगे कि आईटीआई ने मेरी जिंदगी बदल दी, तो कुछ भी अच्छा बुरा नहीं होता, सब कुछ है कि जिसको हम अच्छे से करते हैं हमें सफलता मिल जाती है, तो वो हमारे लिए अच्छा होता है। तो आज की वीडियो को हम यहीं फिनिश करते हैं। आप कहीं से भी पढ़िए, कुछ भी करिए, लेकिन अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं ना, जो भी पढ़ाई कर रहे हैं उसको मन से करिए, तो आप लोग भी सफलता पा सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली क्लास, अगली वीडियो किसी अन्य क्लास या वीडियो के साथ, और ग्लोबल